फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है। मैं आयान को डॉक्टर के यहाँ ले जा रही हूँ क्योंकि इसे बहुत खांसी आ रही है। इतनी खांसी आ रही है कि खांसता ही रह जा रहा है। इसने दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है ना बाद में, जिसकी वजह से बहुत खांसी, जो दवाओं के बाद खांसी आती है ना, वो बहुत ज्यादा आ रही है। इतना खांस रहा है, इतना खांस रहा है, एक मिनट भी उसे सांस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दर्द भी हो रहा होगा। तो मैंने कहा मैं जाके एक बार दिखाया हूँ और बता दूंगी ऐसे ऐसे खांसी आ रही ताकि मैं दवा ले आऊँ। तो इनको डॉक्टर के पास ले गई, कहो भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इनको दवा वगैरह दिलाई, सिरप वगैरह लिए, उसके बाद घर लौट के आई हूँ। यहाँ पर ये लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि हम बच्चों को लेके कहीं जा रहे थे, क्योंकि ये गर्मी में बहुत परेशान तो हो रहे थे। यहाँ इतनी गर्मी है तो सोच रहे थे बच्चों को कहीं घुमा लाए, हम भी घुमाएंगे इसी बहाने। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। कहाँ नीलम ने बताया है, कहाँ माने नीलम में घूमने? अभी नहीं बताएंगे, पापा जी हाँ बता देना। जगह है, जगह है, जगह आप दीदी के पास बैठ जाओ। तो हम लोग इसी से जाएंगे, इसी में बैठ के, इस बैटरी वाले रिक्शे में। भाई अभी लेके आया था तो इसी में हम लोग बैठ के जाएंगे। बहुत सी जगह बैटरी वाले रिक्शे चलते हैं, मतलब कई बड़े बड़े शहरों में नहीं चलते हैं, सिर्फ वाइजग में नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मार्केट वगैरह जाना है तो ये बैटरी वाले रिक्शे से ही चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपने महोबा की खूबसूरती। आप लोग कह रहे थे दी कुछ दिखाया नहीं है, तो बच्चे भी घूम लेंगे और आप लोग भी घूम लेंगे। तो ये पहुंच गए हम कीरत सागर के पास में। बहुत ही अच्छी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है, और इस टाइम पे सब लोग ऐसे घूमने भी आते हैं, और बच्चे बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप स्टडी करने भी आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है, तो यहाँ पर आगे ग्रुप स्टडी करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ, पार्क वगैरह जो है यहाँ पर, बच्चों के लिए झूले हैं, पार्क हैं, और बोटिंग वगैरह भी है कि यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए कीरत सागर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी आप लोग एक बार कीरत सागर घूमने जाओ। तो पहले जब मैं आती थी कभी तो ये सब नहीं लगा हुआ था, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और ये शॉप वगैरह, ये कैंटीन टाइप में जो बनी हुई है, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब काफी हो गया है तो बच्चों के लिए भी खेलने के लिए अच्छा है। और सबसे अच्छी तो मुझे यहाँ पर शिवांशी की ड्रेस बहुत पूरी अच्छी लग रही थी, जूते, पर्स, हेयर बैंड ये सब लगाए, ये देखिए बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो मैं इसका अलग से वीडियो ले रही थी, कितनी प्यारी लग रही है एकदम अपनी मम्मी। ये देखिए इनके आज जलवे देखिए, ये थोड़ी आते हैं कभी कभी आते हैं जलवे दिखाने नीचे भी आज जलवे में उधर से लेना जरा। हाँ कहाँ से? हाँ इधर से, ये साड़ी साड़ी वाली है। और पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ तालाब हुआ करता था, ये बोर्ड वगैरह महोबा का अभी लगा है, तो यहाँ पर हमने फिर खड़े होकर थोड़ा सा फोटो वगैरह ली क्योंकि काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं यहाँ से बोटिंग के लिए पूछ रही थी तो ये सही व्यवस्था नहीं बन पा रही थी क्योंकि इसको खुद ही पैरों से चलाना था, बच्चों को ले नहीं जा सकते थे। मेन चीज़ ये था कि बच्चे एंजॉय कर लें, तो फिर हमने यहाँ पर नहीं गए। ये देखिए टाइम पे सूरज ढल रहा था तो कितना अच्छा लग रहा था तालाब में। तो हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे एंजॉय करेंगे, आयान को थोड़ा सा खेलने को मिलेगा क्योंकि चिड़चिड़ा सा हो गया उस दिन से दवा वगैरह खा के, और बाहर कहीं जाने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा इसमें एंजॉय करेगा, ये खेलेगा भी। और ये देखिए बाकी बच्चे उछल रहे थे तो अपने आप उछल रहा है उसमें, वो कूद नहीं रहा है, लेट के उछलने में लगा था। कितना चक्कर लगाओगे? और यहाँ पर ये गाड़ी चलवाने के लिए था तो कह रहा था मुझे गाड़ी चलाना है, तो इसको ये कार चलवाई है मैंने। थोड़ा सा शिवांशी नहीं बैठी है क्योंकि ज़्यादा छोटी है तो वो डर रही थी, तो यही बस बैठा है, दो चक्कर लगा है उसमें बैठ के। खूब मजे कर लिए, रो रहा था बोट में जाने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि सही वो बन नहीं पा रहा था कि सब लोग एक बार में आ जाए। और वहाँ झूले उले से आके इन्होंने पानी पी लिया तो फिर से इसको वॉमिट हो गया था यान को, क्योंकि इसका पेट पूरा पानी हो गया होगा। और उसके बाद हमने सोचा, शाम भी होने लगी थी, अंधेरा सा हो रहा था, कि कुछ खा पी लेते हैं सब लोग, तो इसी बहाने सब लोग घूमने भी आ गए। एक मतलब आउटडोर हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गए, एक अलग सा रिफ्रेश हो जाते हैं। नीलम भी इसी बहाने आ गई क्योंकि अकेले तो कोई आ नहीं पाता है इतना, और बच्चे भी थोड़ा सा घूम लिए तो इनको भी थोड़ा सा ठीक लगा होगा। तो यहाँ पर सब ने लिए चाउमीन, बच्चों ने लिए
वहां से आने के बाद किसी को भूख नहीं लगी थी, सबने वो चाउमीन वगैरह खा लिया था, सबका पेट भर गया चाउमीन बर्गर वगैरह। अयान लेकिन खांसी की वजह से कुछ खा नहीं पा रहा था, उसको खांसी की दवा दी है, पानी यानी पिलाया है, तो यहाँ हवा चल रही थी ठंडी तो सो गया है, तो मैंने यहाँ पर फैन चला देती हूँ, और वैसे भी ठंडा सा हो गया थोड़ा सा मौसम, तो ये लोग सो गए हैं। और गर्मी की वजह से मैंने भाई से बोला था सिकंजी बनाने के लिए, तो वो उसी की तैयारी कर रहा है नीचे, और क्योंकि नींबू रखे हुए थे, ये मतलब पेड़ के टूटे हुए नींबू है ना, तो एकदम हरे हरे हो रहे हैं, लेकिन एकदम रसीले से नींबू थे, तो मैंने कहा इसकी सिकंजी बन जाएगी और रात में फ़ायदा भी करेगी अगर कुछ बाहर का खाया है तो उसमें डाला है उसने काला नमक, जीरा कूट के डाला है भून के, और चीनी वगैरह, तो एक अच्छी सी सिकंजी। हमारी नींबू की सिकंजी, गर्मी में ये पीना बहुत फायदेमंद है, तो थोड़ा सा मौसम भी हो रहा था और पीने का मन भी कर रहा था, तो मैंने इससे कहा तो फटाफट से इसे तैयार किया और बढ़िया नींबू डाल के बन भी गया है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। हाँ, भुना हुआ जीरा पड़ा हुआ है, नींबू है, चीनी है, काला नमक है। तो आ जाइए आप लोग भी मज़ेदार सिकंजी को एंजॉय करने के लिए। तो बस थोड़ा सा एक ये हो गया क्योंकि खाना नहीं खाना था ना, ऐसा कुछ पी लिया ना तो आके लग रहा है पेट फुल हो गया, और उसके बाद अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और ये चार्जिंग वाला फ़ैन है क्योंकि रात में जैसे लाइट चली जाती है बीच बीच में, तो जैसे आया जग जाता है तो ये फ़ैन थोड़ी देर चला देते हैं, और एक बार चार्ज हो जाता है तो काफ़ी देर चल जाता है। और यहाँ पर मम्मी खा रही है सुबह सुबह वाली दवा, और मैं भी सो के उठी थी तो मैं अपना फेस देख रही थी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मैं ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ यार, की वजह से सुबह टाइम नींद आती है, रात नींद ही नहीं आती यहाँ पर मुझे। और अभी मैं इसी की बोतल में भर के धो के जा रही हूँ पानी देने के लिए, क्योंकि ये पानी कम पीता है, तो ऐसे मैं भर के दे दूँगी तो ये पीता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो अभी मैंने इसको धो के अच्छे से भरा है पानी पीने के लिए दिया है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ सबके लिए एक चावल की तहरी बना दे रही हूँ, मतलब जैसे बच्चे अभी भूखे कुछ बनानी है, तो मैंने कहा चावल की जो तहरी होती ना सब्जी वगैरह डाल के वो पतले पतली सी बना दूँगी तो सब लोग खा लेंगे, तो उसी के लिए मैंने ये चावल साफ किए, ये थोड़े से मोटे वाले चावल हैं और इनकी लेकिन तहरी बहुत अच्छी बनती है, तो इनको मैंने बीन लिया अच्छे से साफ करके, दो तीन पानी से धो लिया है, और बस सारी सब्जियाँ भी काट ली हैं। और ये देखिए कल कड़ी चावल बना था तो ये कुकर थोड़ा सा नीचे से जल गया है, देख नहीं पाए थे कोई तो वो नीचे से जल गया था, तो उसी की वजह से पूरा सा ब्लैक हो गया है कुकर, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा जब भूल जाते हैं तो बस यहाँ पर मैं तहरी को छौंक दे रही हूँ, प्याज हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने। और उसके बाद सारी अच्छे से सब्जियों को भून के इसमें मसाले डाल दिए, थोड़ी मिर्ची कम डाली थी क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाए थे। और यहाँ पर मुझे किचन में आवाज़ आ रही थी सब्जी वाली आंटी की, तो इनसे मैं सोचा धनिया ले लेते हैं, बाकी सब्जी भी लिए थी लेकिन धनिया ही लेनी थी, तो ये धनिया लेने गया हुआ है हरा धनिया तहरी में डालने के लिए। और बस उसके बाद ये सब्जियाँ सब पक गई हैं, मतलब अच्छे से मसाले पक गए, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ चावल, ये देखिए मोटे से चावल हैं थोड़े से, तो इनकी खीर या तहरी जब बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी बनती है, तो बस इसमें पानी थोड़ा सा डालूंगी ज़्यादा ताकि ये गीले से बने, सूखे नहीं अच्छे लगते हैं। और अभी मैंने नहाया नहीं है ना तो थोड़ा सा ऐसे ही लग रही हूँ, मतलब फ्रेश नहीं दिख रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा जल्दी से बना देती हूँ, बाद में नहा धो लूँगी, क्योंकि जब जैसे काम आ जाता है वो कर लो तो ठीक रहता है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से पहले आगे पीछे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये मेरा काम हो गया, तहरी मैंने छौंक दी है। और आप में से कई लोग कह रहे थे दी यहाँ पर किचन का मेकओवर कर दीजिए, तो एक तो बच्चों के साथ समझ में नहीं आता, इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो इसी में लगे रहो, फिर समझ में नहीं आता है क्या करो, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वैसे ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और फिर नई जगह आके और ज़्यादा तंग करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इन्हीं की करतूत है, बच्चों की बिस्किट पूरा डाल गए थे बेड में, तो अभी मैं जा रही हूँ उस कमरे की पूरी सफाई करने, चाय मैंने अपनी बगल में रख ली अलमारी में क्योंकि वो अभी गर्म है, जब तक मैं ये थोड़ा सा साफ करूँगी फिर ठंडी हो जाएगी तो मैं चाय पी लूँगी, तो वही चीज़ है, इसीलिए मैं मेकओवर वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि नहीं समझ में आता है, बच्चों के साथ ही पूरा टाइम निकल जाता है।
तो अभी मैंने बिस्तर वगैरह साफ किए क्योंकि अभी यहाँ पर सफाई भी नहीं हुई थी। और देख सकते हो कितना कूड़ा कचड़ा, ये सब पैर से पूरे, मुझे लगता है जितनी रोड में मिट्टी नहीं रहती उतनी घर के अंदर मिट्टी आ जाती है। अभी थोड़ी देर साफ कर दोगे ना, एक दो घंटे बाद फिर इतना ही गंदा हो जाएगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। तो ये सब, और थोड़ा सा ये सीलन भी रहती है इस कमरे में, देखिए कहीं से। तो बस अभी ये नंदनी ने कुकर खोला है, ये देखिए एकदम पतली पतली सी बनी है ये तो, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। कभी कभी ना मैं ऐसे चीनी डाल के भी खाती हूँ तो भी अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं जा रही थी नीलम को देने के लिए क्योंकि उसे थोड़ा सा जुकाम जैसा हो रहा था, तो दवा खानी थी नीलम को, तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको खा लो उसके ऊपर से दवा खा लेना, क्योंकि अभी चल रहा है, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी दिन में गर्मी हो रही थी उसी से ये कोल्ड वगैरह होता है। और बस यहाँ पर पापा की साइकिल में भर रही हवा, पापा इसी से पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं अपनी साइकिल से ही। और इसके बाद आई हूँ मैं नीचे का काम निपटा के, मतलब सबको खाने वाने को नाश्ता दे दिया था, अयान को भी नहलाया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा तैयार किया है तो थोड़ा इसे अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करेगा। उसके बाद मैंने नहाया धोया, और अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, सबका हो गया था। मैंने सोचा पहले मैं नहा धो लेती हूँ, कपड़े उपड़े धुल लेते उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो बस मैं चावल ही अकेले बना गई थी, और यहाँ पर नंदिनी ने मट्ठा छाछ रखा हुआ था, उसमें प्याज टमाटर वगैरह काट के छौंक लगाने जा रही है, और रोटी भी यहाँ पर नीलम सेक रही है। तो मैंने ले लिया छाछ, रोटी और जो ये चावल तहरी बनी थी वो, क्योंकि खाली चावल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैंने ये सब ले लिया। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। और आप में से काफ़ी लोग कहते हैं दी आप कपड़े ऐसे क्यों पहनते हो, नए नए पहनने का बिल्कुल नहीं मन करता है क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, और ऐसे कपड़े आराम भी देते हैं। तो बस मैं यहीं पर वीडियो को करने जा रही हूँ एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आपको मिलते रहें।